Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope all are doing great. तो सबसे पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. इनफैक्ट 500 से ज़्यादा हो चुके हैं. आई नो ये बहुत ही छोटा नंबर होगा आप लोगों के लिए, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. लाइक ये मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था कि मैंने 500 क्रॉस किया है, और आगे भी मैं और भी अच्छे कंटेंट वीडियोस डालती रहूँगी. आप ऐसे ही मुझे प्यार देना, मेरे वीडियो को प्यार देना ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लाऊँ, वीडियो शेयर करूँ आपके साथ. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. आज की वीडियो होने वाली है अर्बेनिक जीन्स हॉल वीडियो. इसका मैं बहुत टाइम से मैं सोचा था कि मैं इस पर वीडियो एक बनाऊंगी, बट ऐसा टाइम मिल भी नहीं पा रहा था. बट आज फाइनली मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी और फिर इसमें एक जेन्युइन मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो मैंने जीन्स ऑर्डर किया था वो एम्ब्रॉयडरी वाइट लेग जीन्स है. एंड आपको पता है ये मैंने फर्स्ट टाइम, ये मेरा शायद फर्स्ट परचेज था. मैंने अर्बेनिक से फर्स्ट टाइम मंगाया था. ये पहला जीन्स था जो मैंने अर्बेनिक से शॉपिंग की थी, और तभी से मुझे अर्बेनिक से प्यार हो चुका है. लाइक जीन्स की क्वालिटी, कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है. सो ये है वाइट लेग जीन्स, और इसमें ये क्यूट सा एक एम्ब्रॉयडरी जैसा वर्क हुआ है, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही फिट जीन्स है. और ये स्ट्रेट वाइड लेग जीन्स है. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैंने इसे मंगाया था स्मॉल साइज. मेरी साइज स्मॉल है, और इसका प्राइस था 1373 रुपीज़ का इसका प्राइस था, बट मुझे पड़ा था 1183 रुपीज़ का कूपन लगा के, तो मुझे 1183 रुपीज़ का ये पड़ा. उस टाइम ये मुझे बहुत ही मेरी फेवरेट जीन्स हुआ करती थी. तो मटेरियल भी अर्बेनिक की जीन्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है. मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है, और अगर आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल हो ना तो आप हाई वेस्ट जीन्स पहना. मैं वही प्रेफर करूँगी क्योंकि जो शॉर्ट हाइटेड होती है, मैं भी शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो आप हाई वेस्ट पहनोगे तो आपकी हाइट थोड़ी लंबी लगेगी, तो आप वो पहना करो, वो बहुत अच्छी होगी. तो ये जीन्स मुझे पड़ी थी 1183 रुपीज़ की, और इसकी प्राइस थी 1373 रुपीज़. कूपन लग के मुझे ये 1183 में पड़ा था. तो ओवरऑल ये तो मेरी पहली जीन्स थी, तो मुझे इससे प्यार है बहुत ज़्यादा. मैं इसे तो बहुत रगड़ूंगी अभी. और ये एक साल से ऊपर हो चुका है, अभी भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, कहीं से भी कुछ भी नहीं, अभी तक वैसी की वैसी ही है. तो मुझे अर्बेनिक की जो जीन्स होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है. आप अगर नहीं ट्राई की हो तो आप प्लीज़ ट्राई करना एक बारी, बहुत ही अच्छी होती है. दूसरी जीन्स है वो है ये सब मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, और कुछ न्यू जीन्स है मैं वो दिखाऊंगी. सो दूसरी जीन्स ये है, एंड इसका है रिप्ड स्ट्रेट लेग जीन्स नाम है इसका. और ये साइज़, ये भी स्मॉल साइज में मंगवाया था मैंने, और इसका प्राइस पड़ा मुझे 1258 रुपीज़ का मुझे पड़ा था. और इसका कलर है लाइट ब्लू शेड है, और ये भी हाई वेस्ट है और स्ट्रेट पैंट है. पीछे से ये ऐसी है एंड आगे से ऐसी है, एंड इसमें ये लिखा है वेट मैन करके, पॉकेट के पास लिखा है. बहुत ही क्यूट है, और नीचे से थोड़ी सी डिस्ट्रेच है, नी पे दिया हुआ है दोनों साइड पे. एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. ये मेरी सेकेंड जीन्स थी जब मैंने अर्बेनिक से मंगवाया था, तब मुझे क्वालिटी के बारे में पता चल चुका था क्योंकि जीन्स अर्बेनिक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. और इतना आप अगर बाहर से लेते हो, लाइक मिंत्रा से लेते हो या कोई दूसरी ऐप से लेते हो, तो वो इतनी ही प्राइस की पड़ती है. लाइक 1400-1500 की जीन्स तो ज़्यादा महंगी नहीं है, इतनी तो सही है, वो भी अच्छी क्वालिटी की जीन्स हो तो. क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारा शेड है इसका. मटेरियल भी इसका बहुत सॉफ्ट है, और ये बहुत ही क्लासी लगता है. इसमें लाइक ब्लेज़र के साथ भी एक फॉर्मल लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ जीन्स के साथ. तो ये जीन्स की क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है. एंड जो तीसरी जीन्स है वो मैंने लाइट शेड से थोड़ा, मैं हट के मैंने डार्क शेड मंगवाया था. मैंने मिड ब्लू कलर में मंगवाया था क्योंकि मेरे पास दो लाइट ब्लू शेड की हो चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा डार्क में जाऊँ. ये मिड ब्लू में है, एंड ये जीन्स भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है. एंड ये बट ये डिस्ट्रेस नहीं है, ये सिंपल है, स्ट्रेट जीन्स है. इसका नाम है बटन वाइड लेग जीन्स, इसका नाम है. सबसे अच्छी इस जीन्स की बात ये है कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग. इसमें बटन्स लगे हैं,
तो ये पहली बटन है, ये दूसरी बटन है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आप दूसरे पे लगा सकते हो, तो बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये जब मैंने देखा था तो थोड़ा मुझे यूनिक लगा था, क्योंकि ये मेन चीज़ मैं अट्रैक्ट हुई थी ये बटन्स देख के, कि इसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, मुझे बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाइज मैंने ये जीन्स ऑर्डर मारी थी, और इसका साइज़ भी स्मॉल साइज़ है। ये जीन्स मुझे पड़ी 11-12 रुपीज़ में, मुझे इसमें कूपन नहीं लगा था क्योंकि ये ऑलरेडी ऑफ चल रहा था उस टाइम पे, तो इसमें कोई ऑफ नहीं था, ये मुझे पड़ा 11-12 रुपीज़ की, तो विच इज़ क्वाइट नाइस, अच्छा है, प्राइस वाइज भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज इसकी बहुत अमेजिंग है, फिट इसका 10 out of 10, मटीरियल 10 out of 10, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही फिट है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई। और इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, और इन सब पे शॉर्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तो या सो ओवरऑल मुझे जीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जब से मैंने अर्बेनिक से शॉपिंग करना शुरू कर दिया है जीन्स स्पेशली, तो मुझे मिंत्रा की तो जीन्स समझ ही नहीं आती है, पहले मैं मिंत्रा से ही जीन्स ऑर्डर करती थी, बट अभी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हो चुकी है अर्बेनिक की जीन्स, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता, मुझे प्राइस नहीं समझ आता, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट पसंद आएगा तो मुझे प्राइस नहीं लगता कि वो हाँ उस प्राइस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, बट अर्बेनिक में उनकी खास बात होती है कि वो चीज़ें भी बहुत यूनिक लाएंगे और प्राइस भी उनका रीज़नेबल होता है, कोई हाई नहीं होता है प्राइस, जीन्स आपको इतने में ही लाइक 1100 1200 1300 इतनी यूजली होती ही है प्राइस, तो इसमें आपको जीन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। मुझे अर्बेनिक बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट किसी से भी ले लो, तो मुझे क्वालिटी वाइज काफ़ी पसंद है। तो जो नेक्स्ट जीन्स है ये है, इसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, ये ऐसा का ही ऐसा पड़ा हुआ है, पैकेजिंग आपको मैंने बताया था इनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, इसका अभी तक टैग भी लगा हुआ है, इसे मैं ट्राई करूँगी, अभी विंटर्स आ चुके हैं तो मैं विंटर्स में इसे अच्छे से स्टाइल करने वाली हूँ। सो मैंने सोचा था कुछ हटके मैं थोड़ा शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि वही बोरिंग कलर्स ब्लू ब्लैक, तो मैंने कहा कुछ कलर में जाते हैं, तो इस बारी मैंने कलरफुल जीन्स मंगवाई थी। सो ये है, इसका नाम पहले मैं बता दूँ, सिंप्लिसिटी वाइड लेग जीन्स इसका नाम है जीन्स का, और ये भी मैंने स्मॉल साइज़ में मंगवाया था। ये जीन्स मैंने जब देखा था तो मैं अट्रैक्ट हो गई थी, इसके जो कैरेक्टर्स बने थे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, मैं तो अट्रैक्ट हो गई थी, मैंने तुरंत ये लाइक अपने कार्ट में ऐड कर लिया था, और इनफैक्ट ये मैंने बहुत टाइम से विशलिस्ट में भी ऐड किया था कि मुझे ये जीन्स लेनी है तो लेनी है, तो ये जीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बने हैं, बहुत ही यूनिक बहुत ही स्टाइलिश है, इसे मैं पार्टी में या कहीं भी आराम से कैरी कर सकती हूँ, और प्लस ये वाइड लेग जीन्स है, सो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी हूँ वाइड लेग जीन्स से, बट इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे नीचे से थोड़ी कटवानी पड़ेगी, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे नीचे से थोड़ी सी कटवानी पड़ेगी, या तो मैं इसे फोल्ड कर सकती हूँ, कुछ करूँगी मैं इसका, क्योंकि ये लेंथ में काफ़ी बड़ी है, एंड इसका प्राइस है 11-12 रुपीज़, बट ये कूपन के साथ मुझे पड़ा 996 रुपीज़, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, लाइक 1000 के अंदर की जीन्स पड़ी है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है जीन्स के मामले में, और इसकी क्वालिटी तो बेस्ट है बेस्ट। एंड गाइस, आप जब भी अर्बेनिक से शॉपिंग करो, आप कुछ भी अगर शॉपिंग कर रहे हो तो कूपन लगाना बिल्कुल मत भूलना, वो आपको कूपन देते हैं, आप अपने जब टोटल बिल में जाओगे तो नीचे अप्लाई कूपन करके ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो कूपन्स आपको शो हो जाएंगे, लाइक 100 rupees का कूपन है या 200 और कूपन है, तो वो आपको दिख जाएगा, तो आप कूपन अप्लाई कर लोगे तो आपका और टोटल कम हो जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। एंड इट्स नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद से ख़रीदा है और मैं खुद से बना रही हूँ वीडियो, सो आप ये मत सोचना कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। सो जो नेक्स्ट जीन्स है वो ये है, क्यूट सा पिंक कलर का मैंने मंगवाया था, मैंने कहा चलो कलर में जाते हैं तो कलर वाली जीन्स मंगाते हैं, थोड़ा कलर के साथ खेलते हैं, देखे क्या है, खुल क्यों नहीं रही है, ये काफ़ी टाइम से रखी थी, मैंने यूज़ भी नहीं की है एंड मैंने चेक भी नहीं की है, क्योंकि मुझे स्मॉल साइज ही आती है तो मैंने चेक नहीं किया था। ये है
पिंक कलर का, एक हॉट सा पिंक कलर का मैंने जीन्स मंगाया था। कलर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तभी मैंने इसे मंगा लिया था। एंड इसका नाम है सिंप्लिसिटी वाइड लेग जीन्स, ये भी अगेन सिंप्लिसिटी वाइड लेग जीन्स, क्योंकि ये वाइड है। मेरी सारी जीन्स वाइड ही होती है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होता है पहनने में, तो कपड़े आप वही पहनो जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये थी वाइड लेग जीन्स, साइज़ स्मॉल साइज़ है मेरी। एंड आप एक चीज़ को और ध्यान रखना, तब मैं इस जीन्स के बारे में बताती हूँ। आप अगर न्यू हैं अर्बैनिक पे, तो आप अपना साइज़ गार्ड ज़रूर चेक कर लेना। ये नहीं कि आप, मुझे अगर स्मॉल लग रहा है तो आपको भी स्मॉल लगेगा, नहीं। आप एक बार अच्छे से मेजर कर लेना, मेजरमेंट टेप होगा तो आप उससे अच्छे से मेजर कर लेना अपनी वेस्ट और हिप वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आप मंगाना, क्योंकि जो इनकी डिलीवरी होती है काफ़ी लेट होती है। और अगर फिर आप रिटर्न करोगे या एक्सचेंज करोगे तो उसमें और टाइम लेगा। तो बेटर है कि आप अच्छे से मेजर करके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगाना जीन्स या कुछ भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। सो इस जीन्स पे आते हैं, तो मैं इसकी पहली चीज़ तो बता दूँ, ये प्लेन जीन्स है, कुछ भी नहीं है। बस इसका कलर बहुत ही यूनिक था, लाइक थोड़ा ब्राइट कलर था, तो मैंने इसे मंगा लिया था। पीछे से पॉकेट है और ये साइज़ है स्मॉल साइज़, और ये मुझे पड़ी है 924 रुपीज़ की पड़ी है कूपन के साथ। वैसे थी ये 1132 रुपीज़ की, ये जीन्स थी 1132 रुपीज़ की थी और पड़ी मुझे 924, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पड़ गई थी। और जीन्स की क्वालिटी बहुत ही मज़बूत है, लाइक ये हाई वेस्ट है तो और भी अच्छी चीज़ है, बट ये लाइक स्ट्रेचेबल जीन्स नहीं है, ये फिट जीन्स है। तो आप अगर ये सोचोगे कि थोड़ा स्ट्रेचेबल होगा, तो ये स्ट्रेचेबल मटेरियल भी नहीं है। एंड इनका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो, बहुत ही, मतलब जो एक होता है ना जीन्स की क्वालिटी होती है, वो पता चल जाती है टच करने से। इसे मैं वाइट स्वेटर के साथ, अभी विंटर से स्टार्ट हो चुके हैं तो वाइट स्वेटर्स के साथ मैं अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ, या ब्लेज़र के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। ये मेरे पे है कि मैं इसे कैसे स्टाइल करूँ। कलर बहुत ही क्यूट है, इसे मैं लाइक पार्टी में भी पहन सकती हूँ, और अगर आपका कुछ फंक्शन है तो आप उसमें भी इसे आप कैरी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी ब्राइट कलर की जीन्स है तो आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो। और मैं इनको, इन सारी जीन्स को जो मैंने अभी तक नहीं ट्राई की है, मैं जल्दी से इस विंटर में सारी जीन्स ट्राई करने वाली हूँ। सो जो लास्ट जीन्स है, बीच कलर, इसका कलर है, ये वाइट नहीं है, आपको मे बी कैमरे में वाइट लग रहा होगा, बट ये बीच कलर की जीन्स है। ये जीन्स मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई थी, ये मुझे पहली बार देखने में ही पसंद आ गई थी। ये थोड़ी मे बी जॉगर्स टाइप की है, क्योंकि ये थोड़ी आगे पॉकेट दिए हुए हैं क्यूट से। मैं, मुझे पॉकेट वाली जीन्स चाहिए थी काफ़ी टाइम से, मुझे पॉकेट वाली जीन्स चाहिए थी जो जॉगर्स टाइप की दे रहा था, तो मैंने ये ले लिया था तुरंत। दो पॉकेट दी हुई है, एंड एज यूजुअल इसमें भी इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, तो इसे भी मैं कुछ करूँगी नीचे। बट ये जीन्स की क्वालिटी बहुत थिक, मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा थिक है, बिल्कुल पतला नहीं है, मोटी जीन्स है, तो ये ठंड में भी मैं आराम से पहन सकती हूँ। और ये जीन्स मुझे पड़ी है 1172 रुपीज़ में पड़ी है, इसकी रियल प्राइस थी 1272, जो कि 100 रुपीज़ मैंने कूपन लगा के मुझे पड़ी 1172। और इसका नाम है पॉकेट स्ट्रेट लेग जीन्स, क्योंकि आगे पॉकेट दिए हुए हैं तो इसका नाम में भी ऐसे रख दिया गया होगा। ये स्ट्रेचेबल नहीं है, आई थिंक जो अर्बैनी की जीन्स होती है वो स्ट्रेचेबल नहीं होती है, मैक्सिमम जीन्स उनकी स्ट्रेचेबल नहीं होती है, वो फिट होती है। तो बेटर रहेगा आप अपना साइज़ देख लेना, अच्छे से चेक करके मंगा लेना। एंड ये बीच कलर की जीन्स है, तो इस पर मैं ऊपर अगर डार्क शेड पे जाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, तो इसे भी मैं विंटर में ज़रूर पहनूंगी। वेट ही कर रही हूँ कि जल्दी से मैं स्टाइल करूँ। सो ओवरऑल मुझे जीन्स बहुत अच्छी लगी, अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं तो इसे 10 out of 10 दूंगी। ये अभी की मुझे बेस्ट जीन्स लगी है, क्योंकि जो और सबका मटेरियल था उससे ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत मोटा मटेरियल है। और अगर अभी आप मुझसे पूछो मेरी अभी तक की कौन सी फेवरेट जीन्स रही है, तो मेरी दो रही है, मैं आपको पहले दिखा दूँ। तो ये थी जो मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, तो ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने इतना पहन लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसे ही कैरी करती हूँ। दूसरी ये है, इसका कपड़ा, इसकी डिज़ाइन थोड़ी, मुझे, मैंने इस टाइप की जीन्स ट्राई नहीं की थी, इनफैक्ट कलर भी मैंने ट्राई नहीं किया था, तो मेरे लिए ये
दो मेरी फेवरेट जीन्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसका जो मटेरियल है और कलर है और जो ये पॉकेट बनाए आगे, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। तो मेरी अभी की तो ये दोनों फेवरेट है। सो गाइज़, ये थी मेरी अर्बेनिक की जीन्स हॉल वीडियो, और मुझे बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो बना के, और मुझे काफ़ी लंबे टाइम से शेयर भी करना था, तो फाइनली आज ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया। और मैंने आपको अपनी फेवरेट जीन्स भी बता दी, जो अभी मेरी फेवरेट जीन्स थी। और अगर आप अर्बेनिक पे नहीं शॉपिंग किए तो आप बिल्कुल ज़रूर शॉपिंग करें। एंड गाइज, अगर आपको पर्टिकुलर किसी और हॉल का वीडियो कुछ देखना हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूंगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और शेयर खूब सारा करना जितना आपसे हो सके, ताकि मुझे पता चले कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको पसंद आ भी रही है या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।